नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले कुछ दिनों से गंगा गांव की गलियों की वीडियो जो है वो काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। बताया ये जा रहा है कि उस गांव की सभी गलियां जो है वो उखाड़ करके छोड़ दी गई हैं, कोई सुध नहीं ली जा रही। ऐसे में कुछ गांव के लोगों ने या वहाँ से निकलने वाले लोगों ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम नेताओं को ये तक भी कह दिया कि आप इन गलियों के अंदर से पूरे गांव की गलियों के अंदर एक राउंड लगा के दिखा दें तो आपको 5100 रुपये की इनाम राशि भी दी जाएगी। खैर, सोचा कि क्यों ना इस पे एक विस्तार से वीडियो बनाया जाए कि आखिर क्यों वो गलियां उखाड़ी गई है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना समय और लगेगा, क्या इस तरह से उखाड़ा जाना सही है। तो इस पे एक पूरी डिटेल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले एक बार ये तस्वीरें और ये वीडियो जो है वो देखिएगा जरा। ये देखो जी, गाव गंगा गुरुद्वारा साहिब के आगे ये रोड बिजुआली की तरफ जाती है और ये रोड अबूशर की तरफ जाती है। इसका ये हाल है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये बताओ कि कहाँ से जाएं, हम कहाँ से आएं, किसी तरफ से जाने आने का कोई रास्ता नहीं है और प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं देखा जा रहा। 2-3 दिन हो गए जब से बारिश हो रही है, लोग बहुत ही तंग हो रहे हैं। गली पूछेगा किसी पटिया है ऐसे मैं सुभाष कोकणा नथौर से। मैंने पिछले दिनों एक जैसे गंगा गांव की दुर्दशा को देख के एक विरोध करने का तरीका देखा था, उसमें 5100 रुपये उनके लिए इनाम की घोषणा रखी थी। हर गांव के गली के अंदर, हर गली के अंदर इतना कीचड़ है कि वहां से पैदल निकलना बड़ा मुश्किल है। सांसद महोदय, अभी जैसे 14 तारीख को स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम है उसके अंदर आ रही है, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि वो इस गांव की हर गली के अंदर पैदल घूम के कम से कम निरीक्षण तो कर ले, कम से कम हर व्यक्ति की पीड़ा को समझे। और यदि वो पैदल इस गांव की गलियों में, सभी गलियों में से गुजरती है तो 5100 से बढ़ा के 11000 रुपये उनके लिए इनाम की घोषणा है। तो अभी आपने देखा कि गांव की गलियां जो हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं, यानी कि गलियां उखाड़ दी गई हैं, उखाड़ी हुई है। उसके बाद बारिश आई, बारिश आने के बाद जो है वो पूरा की पूरी गलियों के अंदर जो है वो कीचड़ भरा पड़ा है। केवल ये एक गली नहीं है, दो गली नहीं है, बल्कि गंगा गांव की जितनी भी गलियां हैं उन तमाम गलियों में यही हाल देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा या गाँव के लोगों के द्वारा कहा गया है। अब ऐसे में इनाम की राशि जो है वो 5100 से बढ़ा करके 11000 रुपये करने की बात भी इस वीडियो में एक युवा ने कही। तो चलिए अब इस पे पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों एक साथ पूरे गांव की गलियों को उखाड़ा गया है, क्या गांव के लोग एग्री हैं या फिर गांव के लोगों को परेशानी हो रही है, इस चीज का जिक्र भी मैं करना चाहूं। तो गांव के कुछ लोग तो एग्री हैं कि कुछ समाधान के लिए कुछ तकलीफें जो है वो उठानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ गाँव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले 2-3 बार जो है वो गलियां उखाड़ी जा चुकी हैं, 2-3 बार कनेक्शन जो है पीने के पानी के कनेक्शन जो है वो उन्हें अपने खर्चे पे करवाना पड़ा है। ये गांव से मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं। तो चलिए अब आपको बता दें हैं कि गंगा गांव के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। महाग्राम पंचायत जो है हरियाणा सरकार ने चुनने का फैसला किया था, जिनमें प्रदेश की 16 पंचायतों को शामिल किया गया था, जिसमें सौभाग्य की बात है कि सिरसा जिला की एकमात्र पंचायत गंगा गांव की पंचायत जो है वो चुनी गई है। अब ऐसे में इसके मापदंड क्या है, मापदंड भी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले गंगा गांव के अंदर होने वाले कार्यों का विस्तार से लेखा जोखा जो है वो मैं आपको बता देता हूं। 48 करोड़ रुपयों की धनराशि जो है वो गंगा गांव के अंदर खर्च की जानी है। इसके साथ अगर मैं बताना चाहूं तो सबसे पहला जो जल घर है, जल घर में 2 वाटर टैंक जो है, बड़े बड़े वाटर टैंक जो है वो बनाए जाने हैं।
जो कि करोड़ों रुपयों की लागत से बनेगी, और जल घर में जो दो वाटर टैंक बनेंगे उससे क्या होगा कि गंगा गांव के प्रत्येक ग्रामीण को 135 लीटर पानी, यानी कि 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से गंगा गांव के ग्रामीणों को दिया जाएगा। इससे पहले की अगर बात करूँ तो 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में गंगा गाँव के लोगों को मिल पा रहा था। इसके अलावा जल घर का पानी जो है वो जंडवाला माइनर से आता था और उसको अब मोडी माइनर से जोड़ने का फैसला भी जो है वो लिया गया है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आएगा। और ये मोडी माइनर से जोड़ने का जो काम है वो 4 से 14 इंच पाइप से मोडी माइनर से जोड़ा जाएगा, यानी कि 4 से 14 इंच पाइप जो है, 4 इंच भी हो सकती है, 14 इंच भी हो सकती है, वो ऑन द सपोर्ट जो है वो पता चलेगा कि कितने इंच पाइप के साथ इसको जोड़ना है। तो वो मोडी माइनर से पानी वहाँ गंगा गांव के जल घर के अंदर भेजा जाएगा। इसका बजट जो है वो 12 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम जो है 17 करोड़ रुपयों की लागत से सीवरेज सिस्टम पूरे गंगा गांव के अंदर सीवरेज जो है वो डाले जाने हैं। प्रदेश की 16 पंचायतों में ऐसा सिस्टम डाला जाएगा। सिरसा जिला की अगर बात करूं तो पहला गांव होगा गंगा गांव जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। तो 17 करोड़ रुपए जो है वो गांव में 8 से 24 इंची पाइप जो है वो डाल करके सीवरेज सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जिसका बजट 10 करोड़ रुपए पास किया गया है, मंजूर हुआ है। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवरेज जो डाले जाएंगे वो सारे के सारे सीवरेज का पानी जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, वहाँ पर पानी को प्योर करके और वो आगे किसानों को खेतों में जो है सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो अब बात आती है कि गंगा गांव को ही क्यों चुना गया। 10,000 से ज्यादा आबादी जो है वो तो चौटाला में ही है, तो चौटाला गांव को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन चौटाला गांव मापदंडों पे खरा नहीं उतरा, इसलिए गंगा गांव को रखा गया। अब 10,000 की आबादी वाले गंगा गांव को चुन तो लिया गया, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी कि गांव के अंदर पशुओं की संख्या जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि चौटाला और गंगा गांव दो ही मेरे ख्याल से लगभग लगभग जो है इन मापदंडों पे खरा उतरते हैं 10,000 की आबादी वाले गांव जो है। तो उसमें से चौटाला के बजाय गंगा गांव के अंदर पशुओं की आबादी कम थी, क्योंकि पशुओं की आबादी ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो पशुओं का गोबर होता है वो भी उस सीवरेज के अंदर जाएगा, जिससे कि सीवरेज जो है ज़्यादा ब्लॉकेज होने का भय ज़्यादा बना रहता है। तो इसीलिए पशुओं की संख्या कम जो है वो उसमें चिन्हित की गई, तो गंगा गांव जो है वो सभी मापदंडों पे खरा उतरा है, इसलिए गंगा गांव को इसमें चुना गया है। अब अगर बात करूं तो गंगा गांव का नाम बदलने की भी पेशकश जो है वो की गई है, गंगा की जगह गंगा मैया जो है वो इस गांव का नाम किया जाना है। ये तो था पूरा विस्तार से प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल कि आखिर क्या पूरी कहानी है, क्यों इतना जो है उबड़ खबड़ गलियाँ हो रखी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो क्या प्रशासन को ये पूरी की पूरी गलियां उखाड़ करके सीवरेज डालना था? अगर एक एक करके एक गली के अंदर सीवरेज डाल दिया, उस गली की मरम्मत करवा दी, उस गली को बनवा दिया, उसके बाद दूसरी गली को चुन लेते, दूसरी गली के अंदर जो है इस तरह से कर लेते, तो धीरे धीरे करके ये पूरे गांव के अंदर जो सीवरेज भी डल जाता और गलियां भी पक्की हो जाती और गाँव के लोगों को दिक्कत भी नहीं होती। तो ऐसे में फिलहाल की अगर बात करूँ तो गंगा गाँव के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गंगा गाँव के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आने जाने वाले लोग जो हैं वो गंगा से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, गंगा गांव से होते हुए अगर जाते हैं, चाहे वो बाहर की साइड से जाएं या अंदर होकर के जाएं, तो उनको भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब गांव के लोगों का घरों का जो पानी है वो भी उसी गली के अंदर जाकर के ही गिरता है, जिससे कि कीचड़ जो है वो लगातार वहाँ पर बना रहता है। पिछले कुछ दिनों से बरसात जो है पिछले दिनों आई थी, तो बरसात आने के बाद गंगा गाँव की गलियों का हाल जो है वो बेहद ही
खराब या बेहाल हो चुका था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने वीडियो बना करके डाला कि हमारे आदर्श गांव या महाग्राम पंचायत गंगा की ये तस्वीरें हैं। तो इस प्रकार से वो वीडियो जो है वो डाले गए, क्योंकि गाँव के लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। उस समय में अगर सांसद या विधायक या मंत्री कोई वहाँ पे जाते तो गांव के लोगों ने इनाम भी रखा था कि 5100 रुपये इनाम रखा जाएगा। तो अब ऐसे में जब इस बारे में मैंने सरपंच साहब से बात की, जो अभी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि गांव के अंदर एक एक गली के अंदर जो है वो काम हो सकता था आराम से, लेकिन उसके बाद जो है वो सीवरेज का जो लेवल है उसमें कहीं ना कहीं खामी जो है वो रह जाती। तो ऐसे में प्रशासन ने सोचा कि पूरे गांव की गलियों को एक साथ उखाड़ करके और सीवरेज का जो पाइपें जो बिछाने का, सीवरेज डालने का जो लेवल है वो एक साथ रखा जाए, तो उससे लेवल में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी और जो सारा का सारा पानी है वो जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगना है वहाँ पे जा करके जमा हो जाएगा। तो गाँव के सरपंच का साफ तौर पर यही कहना है कि गाँव के लोगों को अगर थोड़ी सहूलियत लेनी है तो थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। और ऐसे में गांव के लोग भी जो है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दिक्कत गांव के लोगों को हो रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, अब ये न जाने कितने दिनों में ये काम जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो सरपंच साहब से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सीवरेज की जो पाइपें डालनी थी वो सीवरेज लाइन जो बिछानी थी वो बिछाई जा चुकी है, इसके साथ साथ पीने के पानी की जो पाइप लाइन जो बिछानी थी वो भी बिछाई जा चुकी है। अब उसके बाद जो है वो गलियों की मरम्मत का कार्य जो है वो पेंडिंग है। अभी कुछ काम जो है वो पाइपों का जोड़ लगाने का जो काम है वो चल रहा है, और एक महीना या 20 दिन या 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए तो उसके बाद जो है वो पूरी गलियों की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर दी जाएगी। तो ये पूरी डिटेल थी। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या गांव के लोगों को वाकई में दिक्कत हो रही है? अगर आप गंगा गांव के रहने वाले हैं तो खास करके आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको वाकई में दिक्कत हो रही है या फिर आप इस दिक्कत को सहन करने के लिए सक्षम हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।